आज नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा के द्वित स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। जैसा कि माँ का नाम है ब्रह्मचारिणी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। मान्यता है कि इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हालांकि इन्हें सिर्फ तप की देवी ही नहीं बल्कि ज्ञान और वैराग्य की देवी भी माना जाता है। वहीं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला, वहीं दूसरे हाथों में कमंडल रहता है। मुख पर तेज, सिर पर मुकुट के साथ उनका श्रृंगार कमल के फूलों से होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता किसी भी वाहन पर सवार नहीं होती बल्कि पैदल ही धरती पर खड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना गया है। इन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही हिमालय पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन्हें मनचाहा वरदान दिया था और इसी वरदान के कारण ही हिमालय पुत्री का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करने से मन स्थिर रहता है और लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं।